नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस ऑन स्ट्रॉबेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस ऑन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस बनते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, वो है बॉटनिकल नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वो कौन सा है? ऑप्शन है प्रूनस डोमेस्टिका, ऑप्शन बी है फगेरिया अनानासा, ऑप्शन सी है प्रूनस सेरेसस, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस। तो जो स्ट्रॉबेरी है उसका बॉटनिकल नेम कौन सा होता है? तो स्ट्रॉबेरी का जो बॉटनिकल नेम है उसको फगेरिया अनानासा के नाम से जाना जाता है, या स्ट्रॉबेरी के जो बॉटनिकल नेम है उसको फगेरिया अनानासा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैन मेड हाइब्रिड। कौन से फ्रूट को मैन मेड हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पाइनएप्पल, ऑप्शन बी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी है चिली, या ऑप्शन डी है पॉमग्रेनेट। तो जो स्ट्रॉबेरी है इसको मैन मेड हाइब्रिड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मैन मेड हाइब्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉबेरी बिलोंग टू विच फैमिली। स्ट्रॉबेरी कौन से परिवार से संबंध रखता है? स्ट्रॉबेरी जो है कौन से परिवार से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है हमारा एक्टिनेसी, ऑप्शन बी है लिलिएसी, ऑप्शन सी है रोजेसी, या ऑप्शन डी है रूटेसी। तो स्ट्रॉबेरी का जो परिवार है या स्ट्रॉबेरी की जो फैमिली है वो है रोजेसी। स्ट्रॉबेरी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो स्ट्रॉबेरी रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। द क्रोमोजोम नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के जो 2n बराबर क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? स्ट्रॉबेरी के क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 46, ऑप्शन बी है हमारा 52, ऑप्शन सी है हमारा 56, या ऑप्शन डी है हमारा 48। तो स्ट्रॉबेरी के क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? स्ट्रॉबेरी के जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 56। और ये क्या है? एक ऑक्टाप्लॉयड स्पीसीज होती है। अगर इसके बेसिक क्रोमोजोम नंबर की बात की जाए तो इसका जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर एक्स बराबर होता है वो कितना होता है? तो स्ट्रॉबेरी का जो एक्स बराबर जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर होता है वो एक्स बराबर 7 होता है। बेसिक क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो एक्स बराबर 7, और जनरली अगर 2n बराबर पूछा जाए स्ट्रॉबेरी क्रोमोजोम नंबर तो वो है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इस कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी है, इस कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का प्लांट होता है? ऑप्शन ए है टेट्राप्लॉयड, ऑप्शन बी है डिप्लॉयड, ऑप्शन सी है हेक्साप्लॉयड, या ऑप्शन डी है ऑक्टाप्लॉयड। तो जो स्ट्रॉबेरी होता है, जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी होता है वो होता है ऑक्टाप्लॉयड। वो जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी का जो स्पीसीज होती है वो ऑक्टाप्लॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कौन से प्रकार का पौधा है? ऑप्शन ए है लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन बी है डे न्यूट्रल प्लांट, ऑप्शन सी है शॉर्ट डे प्लांट, या ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। स्ट्रॉबेरी कौन से प्रकार का पौधा है? स्ट्रॉबेरी शॉर्ट डे प्रकार का पौधा है। शॉर्ट डे प्रकार का पौधा है मतलब इसको फ्लोरिंग के लिए 10 घंटे से कम लाइट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एग्रीगेट फ्रूट इज, इनमें से कौन सा एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है? ऑप्शन ए है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है पाइनएप्पल, या ऑप्शन डी है पियर। तो एग्रीगेट फ्रूट कौन सा था? एग्रीगेट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, जिसको एग्रीगेट फ्रूट भी कहा जाता है और फ्रूट ऑफ एचेंस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉबेरी इज मैन मेड हाइब्रिड, इट वास डेवलप्ड बाय मेकिंग ऑफ क्रॉस। जो स्ट्रॉबेरी जो मैन मेड हाइब्रिड है इसको किसके बीच क्रॉस करके डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए है मेरा फगेरिया अनानासा इंटू फगेरिया चिलोएंसिस, ऑप्शन बी है हमारा फगेरिया चिलोएंसिस इंटू फगेरिया वर्जीनिया, ऑप्शन सी है हमारा फगेरिया वर्जीनिया इंटू फगेरिया चिलोएंसिस, या ऑप्शन डी है हमारा फगेरिया अनानासा इंटू फगेरिया वर्जीनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फगेरिया चिलोएंसिस इंटू फगेरिया वर्जीनिया। इसका ये क्रॉस है कौन सा? जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी जिसको मेन मेड हाइब्रिड कहा जाता है, तो ये फगेरिया चिलोएंसिस और फगेरिया वर्जीनिया का क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्लांटिंग टाइम ऑफ स्ट्रॉबेरी इन सब ट्रॉपिकल कंडीशन। जो सब ट्रॉपिकल एरिया है उसमें जो स्ट्रॉबेरी की प्लांटिंग कब की जाती है? ऑप्शन ए है हमारा फरवरी मार्च, ऑप्शन बी है जून जुलाई टू अगस्त, ऑप्शन सी है सितंबर टू अक्टूबर, या ऑप्शन डी है नवंबर टू दिसंबर। तो जो सब ट्रॉपिकल एरिया है उसमें जो स्ट्रॉबेरी की जो प्लांटिंग की जाती है वो कब की जाती है? तो वो की जाती है नवंबर से दिसंबर के मंथ में। नवंबर से दिसंबर के मंथ में जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहां इसकी प्लांटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी इज प्रोपोगेटेड बाय, स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस पर आप स्टार लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है हमारा कटिंग, ऑप्शन बी है रनर्स, ऑप्शन सी है सकर, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबो। तो स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है रनर्स के द्वारा, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है,
चेंडर इज वेराइटी ऑफ, चेंडर कौन सी फ्रूट क्रॉप की वेराइटी? ऑप्शन ए है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी है वुड एप्पल, ऑप्शन सी है ल्यूकार्ट, या ऑप्शन डी है प्लम। तो जो चेंडलर है ये किसकी वेराइटी है? तो चेंडलर जो है स्ट्रॉबेरी की ही एक वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्बिनिज्म इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, एल्बिनिज्म किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए है प्लम, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन डी है चेरी। तो जो एल्बिनिज्म है ये किसका डिसऑर्डर है? तो ये जो एल्बिनिज्म है ये जो स्ट्रॉबेरी है उसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की जो हार्वेस्टिंग है वो कब की जाती है? ऑप्शन ए है मई जून, ऑप्शन बी है अप्रैल टू मई, ऑप्शन सी है सितंबर टू अक्टूबर, या ऑप्शन डी है दिसंबर टू जनवरी। तो जो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कब की जाती है? तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है ये की जाती है दिसंबर से जनवरी के दौरान, मतलब जो प्लांटिंग है उसके लगभग जो 1 साल है या 1 वर्ष है उसमें इसकी जो जो प्लांट है वो फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ट्राइबूट त्रिशूर आर वेराइटी ऑफ स्ट्रॉबेरी विच आर, जो ट्राइबूट और जो त्रिशूर वेराइटी स्ट्रॉबेरी की कौन से प्रकार की होती है? ऑप्शन है लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन बी है डेनेट्रल प्लांट, ऑप्शन सी है शॉर्ट डे प्लांट, या ऑप्शन डी है इंटरमीडिएट प्लांट। तो जो त्रिशूर और जो ट्राइबूट वेराइटी है स्ट्रॉबेरी की ये कौन से प्रकार की होती है? तो ये डेनेट्रल प्रकार की वेराइटियां होती है। अगला प्रश्न आता है, द मेटेड्रो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग फॉलोड, जो मेटेड्रो ट्रेनिंग सिस्टम है किसमें उपयोग किया जाता है, किसमें इसको अपनाया जाता है? ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी है पाइन एप्पल, या ऑप्शन डी है पेस्ट। तो जो मेटेड्रो ट्रेनिंग सिस्टम है किसमें यूज किया जाता है, किसमें अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है हमारा स्ट्रॉबेरी में, इसको स्ट्रॉबेरी में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि मेटेड्रो ट्रेनिंग सिस्टम कौन सी फ्रूट क्रॉप में यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है स्ट्रॉबेरी के क्रॉप में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉबेरी वेराइटी सुटेबल फॉर आइसक्रीम मेकिंग, स्ट्रॉबेरी की कौन सी वेराइटी जो आइसक्रीम बनाने के लिए उपयोग की जाती है या सुटेबल होती है? ऑप्शन ए है हमारा सेल्वा, ऑप्शन बी है चैंडलर, ऑप्शन सी है ओलंपस, या ऑप्शन डी है आलोक दिस। तो स्ट्रॉबेरी की जो ओलंपस वेराइटी है, जो ओलंपस वेराइटी है आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है आइसक्रीम बनाने के लिए, तो स्ट्रॉबेरी की वेरायटी वो है ओलंपस। अगला प्रश्न है, फ्लावर कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जो फ्लावर कलर होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है व्हाइट, ऑप्शन सी है ऑरेंज, या ऑप्शन डी है पिंक। तो स्ट्रॉबेरी का जो फ्लावर कलर होता है वो कौन से प्रकार का होता है? तो वो व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, और कह सकते हैं कि जो क्रीमिश व्हाइट कलर का फ्लावर इसमें होता है। अगला प्रश्न है, एडेबल पोर्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जो खाए जाने वाला भाग है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्लैसी रिसेप्टर, ऑप्शन बी है सकुलेंट प्लेसेंटा, ऑप्शन सी है फ्लैसी थैलेमस, या ऑप्शन डी है फ्लैसी पेडेंकल। तो जो स्ट्रॉबेरी का जो खाए जाने वाला भाग है वो है फ्लैसी थैलेमस, इसका जो कौन सा खाया जाने वाला भाग है? जो फ्लैसी थैलेमस है वो इसके खाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रे मोल्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी इज कास्ट बाय, जो स्ट्रॉबेरी का जो ग्रे मोल्ड होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है वर्टिसिलियम स्पीसीज, ऑप्शन बी है फ्यूजन वॉक्सिस्फोरम, ऑप्शन सी है नेक्टरजिनिया गेलिजियना, ऑप्शन डी है बोट्राइटिस सिनेरा। तो जो इसका जो स्ट्रॉबेरी का जो ग्रे मोल्ट होता है वो होता है बोट्राइटिस सिनेरा के कारण, किसके कारण से होता है? बोट्राइटिस सिनेरा के कारण, जो कि एक प्रकार का फंगस होता है। धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।